गुड इवनिंग दोस्तों, मैं दीपक, इंटरनेशनल फिटनेस एक्सपर्ट। आज आप ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ पर आया हूँ, मैं आपको बताता हूँ। आज आपको मैं आया हूँ द फेस क्लिनिक भुवनेश्वर, डॉक्टर राहुल दास के पास, जो कि फिटनेस के काफ़ी मतलब एक फिटनेस फ्रीक हैं और एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे फ्रेंड, मेरे कलीग हैं। तो इनसे हम आज बात करते हैं। डॉक्टर सर, हाई एवरीबडी, वेरी गुड इवनिंग। अच्छा डॉक्टर जी, प्लीज़ हम आपके क्लिनिक शॉर्ट मतलब आपके क्लिनिक के बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ जी, द फेस क्लिनिक्स भुवनेश्वर, दिस वॉज मैंने वी हैव स्टार्टेड दिस जर्नी फ्रॉम 2012। तो वी हैव टू ब्रांचेस, वन ब्रांच वी हैव इन शहीद नगर एंड द अदर ब्रांच वी हैव इन चंद्रशेखरपुर। वी आर कमिंग अप विद अ थर्ड ब्रांच ऑफ आवर्स विद इन अनदर 2-3 मंथ्स। ओके ग्रेट सर, मैं डॉक्टर राहुल को नए ब्रांच के आने के लिए पहले से ऑल द बेस्ट देता हूँ और सर का तो मैं इन्वाइटेड हूँ। तो आप सब भी अगर किसी को भी इससे रिलेटेड है तो प्लीज़ डॉक्टर राहुल से क्वेरीज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं डॉक्टर राहुल के साथ लाइव आने का और वीडियो करने की रीज़न है मैं बता रहा हूँ, जो मेथ है प्रोटीन को लेके, कि प्रोटीन सिर्फ जो बॉडी बिल्डर या फिर जो स्पोर्ट्स में है या फिजिक में है या मॉडलिंग करते हैं वही लोग लेते हैं, ये जो मिथ है मैं क्लियर करना चाहता हूँ। क्योंकि कुछ लोग हो सकते हैं कि मेरी बातें दुकानदारी लगते हो या ऐसा, क्योंकि हमारा तो प्रोटीन आउटलेट है। तो मैं चाहता हूँ डॉक्टर राहुल प्लीज़ आप ये चीज़ को बताएं कि क्या जो सप्लीमेंट है मतलब स्पेशली जो प्रोटीन है, क्या ये एक बॉडी बिल्डर को ही लेना चाहिए ऐसा? एकदम नहीं, मैंने ये एक बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन हम बोल सकते हैं। आस्ते आस्ते लोग बहुत ज़्यादा अवेयरनेस मैंने अवेयर हो रहे हैं अभी, क्योंकि बहुत सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो मेडिसिन कंपनीज हैं उनका अभी खुद का प्रोटीन लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि अबोट का भी प्रोटीन आया है जी। तो ये प्रोटीन बेसिकली सबको लेना है। अपोलो भी जो आपने लॉन्च किया, आप देख सकते हैं अपने अपोलो के जितने हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, स्टोर है, मेडिकल स्टोर अपोलो के, उन्होंने अपने मेडिकल स्टोर पर भी रखना शुरू कर दिया है। तो ये नॉर्मल केमिस्ट की दुकान में भी आप जाएंगे आपको प्रोटीन मिलेगा, जैसे आपका न्यूट्री लाइफ हो गया, जैसे कि आपका हर्बल लाइफ हो गया। हाँ। बहुत ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी आप देखेंगे मेडिसिन दुकान में आजकल प्रोटीन पाउडर्स मिल रहे हैं। डॉक्टर जी, मैं एक आपसे एक सवाल रहेगा कि नॉर्मली हम देखिए कि जो प्रोटीन है, नॉर्मली एक लेमैन, एक प्रोफेशनल जो यूज करता है, ठीक है, लेकिन एक लेमैन को आप क्या रिकमेंड करेंगे कि प्रोटीन कौन सा लेना चाहिए और कितने डोजेस लेना चाहिए? देखिए, हमारा जो इंडियन डाइट है, हमारा इंडियन डाइट में हम बहुत ज्यादा कार्ब्स लेते हैं, हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट जितना बॉडी का है हम फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इसीलिए हम सप्लीमेंट के ऊपर निर्भर करते हैं, क्योंकि रोज उतना रिक्वायरमेंट हम फुलफिल नहीं करते हैं हमारा डाइट जी, से जी, जी, तो इसीलिए हम मैंने हम मैंने हर किसी को रेकमेंड करेंगे कि मेरे पेरेंट्स भी मैंने प्रोटीन अभी ले रहे हैं। मतलब सर देखिए, ये बहुत अच्छा है, मतलब डॉक्टर राहुल जी कह रहे हैं कि इवन वो तो खुद लेते ही हैं, प्लस उनके पेरेंट्स भी उनको भी आप रिकमेंड कर रहे हैं। सबको लेना चाहिए। तो सर सबसे बेस्ट मैंने प्रोटीन के सेगमेंट में जैसे बहुत है, तो सबसे बेस्ट प्रोटीन हम लेमेन कौन लेना चाहिए? पेरेंट्स भी ले सके, जो बच्चे भी ले सकते हैं, हमारे हर एज ग्रुप के जो ले जा सकते हैं, कौन सा प्रोटीन है सर? सबका बॉडी टाइप और सबका रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो हम बोलेंगे, जैसे कि मैं मेरे एडल्ट पेशेंट्स को बोलता हूँ, मेरे पास बुजुर्ग लोग आते हैं, मैं इनको बोलता हूँ कि आप लो कार्ब वाला ले सकते हैं, अगर कोई डायबिटिक है तो हम जीरो शुगर वाला देंगे। तो बहुत वेरिएंट्स का मिलता है, तो डिपेंड करता है सब इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर और हेल्थ कंडीशंस के ऊपर, उस हिसाब से हम प्रोटीन देते हैं उनको। थैंक यू। अगर सर मैं चाहे छोटी सी कोशिश है, जो प्रोटीन का जो मीथ है, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा सा मेरी जो मेहनत है आपको पसंद आएगी और डॉक्टर राहुल की बातें, आप मेरी बातें तो शायद लोगों को जितनी समझ में आ रही उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर राहुल की बातें तो जरूर आपको समझ में आ रही होगी। जो भी अगर क्वेरीज रहता है प्लीज़ आप डॉक्टर राहुल से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको अगर कुछ स्किन से रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेरीज है या फिर आपको कुछ रिकमेंड हो रहा है उस चीज़, और बाकी हाँ कुछ भी क्वेरीज रहता है आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में अगर और कुछ टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ पूछिएगा और कमेंट करके बताइए। थैंक यू वैभव सर। वी रियली होप ये मिथ बहुत जल्दी क्लियर हो जाए और लोग प्रोटीन का बेनिफिट्स के बारे में समझें और उसको सही से ले इनटेक करें उनको। थैंक यू। ओके।